अक्सर देखिए बचपन से लेकर के जब हम आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने को कहते हैं वृद्ध वृद्ध का मतलब बढ़ना इसी का स्लैंग है वृद्ध लोग वृद्ध का मतलब सोते बुढ़ापा बुढ़ापा नहीं आता है कोई चीज़ बूढ़ी नहीं होती है प्रत्येक चीजें नित्य नवीन होती हैं हम ही उसको नाम रख देते हैं कि ये बूढ़ा है ये बूढ़ा नहीं है हर पल एक नए रूप में आती है किसी रूप को हम लोग गलत एनालिसिस करके उसको कहते ये बूढ़ा है तो जब हम बचपन से लेकर के धीरे धीरे हम वृद्धि को प्राप्त होते हैं बढ़ते हैं ग्रोनप होते हैं तो तरह तरह की चोटें आती हैं बचपन देखिए कभी पैर में लगी हाथ में लगा मोटरसाइकिल चला रहे तो उससे एक्सीडेंट हुआ तरह तरह की इन चोटों से हम परेशान होते हैं। या कोई जा रहा है हम तो ठीक से हैं किसी के द्वारा चोट लग गई हम गाड़ी ठीक चला रहे हैं बगल से आया कोई एक्सीडेंट कर दिया तो जितने प्रकार की चोटें होती हैं बाह्य चोट कहते हैं जो बाहर से लगे अंत चोट कहते हैं जो अंदर में चोट लगती है अपने लीवर में फेफड़ा में हार्ट में आँतों में आँखें के अंदर कान के अंदर सिर से पैर के उंगली तक जो त्वचा क्या है भी देखे जिसको हम छू सकते पकड़ सकते हैं सबको अंतकरण हम जो हाथ पैर आदमी में चोट लगती है ये होती बाहर से लगती है एक अंदर ही लग गई तो चोट का कारण क्या है चोट क्यों लगती है चोट के कारण प्रभु बुलाते हैं अपनी तरफ जब हम प्रभु से दूर होने लगते हैं उनके बच्चे हैं तो चोट देखकर के बुलाते हैं आओ 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 कहाँ जा रहे हैं कैसे बुलाते हैं हमारा टेंशन हमारा एकाग्रता अगर सिर से पैर की तक इसमें कहीं चोट आई तो उसी जगह पर हो जाती है किसी भी कारण बस कारण चाहे जो हो सिर से पैर की अंगली तक इसमें एकाग्रता बढ़ाना इस भावना के साथ परबम् के अलावा कुछ भी नहीं में ही है उनके अलावा जो कुछ हम और जानते हैं सुनते हैं सब गलत है तो सिर से पैर की अँवली तक ये परबम्ह है परम में कौन होते हैं क्रिएटर सिर से पैर के तक इस रूप में जो प्रकट हो रहे हैं वही है परम परम ही केवल सिर से पैर के तक इसी रूप में नहीं जो कुछ दिखाई पड़ता सारे मानव जगत सारे जंत जगत सारे पेड़ पौधे ये सब तो चोट लगती है तो किता प्रेम करते हैं प्रभु कहाँ जा रहे हो आओ आओ हमारे पास आओ तो हम क्या करें कि चोट ना लगे जैसे बाहर गाड़ी कोई चला रहा है कोई साइकिल से आ रहा है कोई जानवर जा रहा है कोई कुत्ता सामने आ गया गाय आ गई एक्सीडेंट हो गया तो याद रखिए जब सिर से पैर की तक प्रभु के निकटतम अस्तित्व में एकाग्रता बढ़ा करके पैर के नाखूंस लेकर सिर तक इसकी अनुभूति में बने रहेंगे और इस अनुभूति को हम इस भावना के साथ स्वीकार करें निराकार परब्रह्म जो रचनाकार हैं जिसको परमपिता दिव्यमा कहते हैं जिसको सभी गुरु के गुरु कहते हैं आप उन्हें परम गुरु कह लीजिए जितने सदगुरु अपने को कहते हैं सदगुरु के सदगुरु वो स्वयं सिर से पैर की अमृत तक इस रूप में प्रकट हो रहे हैं तो हमारे जीवन का लक्ष्य होता है कि पैर के नाखून से लेकर सिर तक एक एक जगह पर एकाग्रता बढ़ाते हुए सब काम करिए पता चला एकाग्रता बढ़ाते हुए काम कर रहे हैं तो घर में और सब तो ऐसा काम करते नहीं काम मिला है एक कमरे की सफाई करने का झाड़ू लगाएंगे पोछा लगाएंगे पानी से धुलेंगे शर्त यह है कि पैर के कि नाखून से सिर तक अनुभव करते हुए करिए तो आपकी गति बहुत धीमी हो जाएगी कछुआ तरह चलेंगे टॉटस तो घर वाले क्या कहेंगे पागल हो गए हो क्या चल नहीं पा रहे हो तो घर वाले ही अच्छे मार्ग पर नहीं जाने देते स्कूल कॉलेज में गए पता चला अब आप लिख रहे हैं सबको कहा गया भाई एक पेज लिखो आप लिखते ही अब पैर कल के नाखून से सिर तक अनुभव कर रहे हैं अनुभव करते हुए लिखेंगे तो और लोग लिख दिए दस मिनट में आप एक घंटा लगा रहे हैं तो टीचर डांटेंगे तुम पागल हो गए हो क्या एक पेज लिखने में एक घंटा लग रहा है और देखिए अपने में एकाग्रता बढ़ाएंगे तो व्यापकता में आ गए सिर से पैर कुंडली तक प्रत्येक स्थान पंचकोशी अस्तित्व का बना है बाहर अन्नमय कोष प्राणमय मनोमय ज्ञानमय आनंदमय हर जगह है जब आप में एकाग्र होंगे तब तो पंच की संपूर्ण रचनाओं को अपने अंदर स्वीकार करते ही आगे बढ़ेंगे अब अनुभव हो रहा है अन्नमय कोष का ठीक है और अंदर में चलेंगे तो प्राणमय कोष आएगा वनस्पतियां और अंदर जाएंगे मनो में कोष जीव ज्ञान में कोष मानो आनंद में कोष मानव का उच्चतम रूप जिसे देवी देवता कहते हैं इस तरह से अपने में एकाग्रता बढ़ाने में और बढ़ाइए और बढ़ाइए तो ऐसे करने में जब आप चलेंगे चलने की स्थिति बदल जाती है वो तो आदमी कैसे देखता है कैसे सुनता है कैसे काम करता है अलग होगा अगर आप उस तरह से रहते हैं तो ना तो आपको स्कूल में कोई कहेगा आप ठीक हैं ना घर में कहेगा तो जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं ऐसे ही रहे हैं जिनको घर में पागल कहा गया है जो घर में पागल कहे जाते थे विद्यार्थी जीवन में जिनको कहा जाता था मीडियाकर हैं ये पढ़ने में अच्छे नहीं है वही साइंटिस्ट हुए हैं वही आविष्कार किए किस चीज को याद रखिए जैसे घर में कहते नहीं कि कोई बर्तन उठा रहा धो रहा है अचानक गिर खन खन तो दादी माँ है माँ है या माता पिता कोई भी है कहते दोष हो गया दोष बर्तन नहीं गिरना चाहिए तो दोष हो गया इसको कैसे सिद्ध करेंगे कहते भाई दोष हो गया भाई कप आ जाएगा क्यों आप परेशान कर रहे हैं कप ही टूटा ना थाली गिरी तो टूटी भी नहीं चम्मच गिरा टूटा भी नहीं फिर क्यों कहा जाता है कि ये दुर्गुण है ये अशुभ है ये क्योंकि अगर आप पैर की उंगली से हाथ की उंगली तक अनुभव करते रहेंगे एक भी चम्मच गिरेगा नहीं एक भी कपड़े उठाएंगे तो गिरेगा नहीं एक भी थाली गिरेगी नहीं इसके पीछे ये कारण है भारतीय संस्कृति कितनी महान है चम्मच गिर गया कहते गलत हुआ थाली गिर गई गलत हुआ और चल रहे हैं फटर 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 क्या चल रहे फटर फटर ठीक से नहीं चल सकते अब बताइए चलने में बाधा नहीं तो आप ठीक से चलेंगे फटर फटर होगा नहीं पैर के नाकों से सिर तक तो पूरी अनुभूति में चलेंगे तो जानते हैं जब चलेंगे पता ही नहीं चलेगा कि आप चल भी रहे इस तरह से समाज ही ईश्वर की तरफ जाने का विरोध करता है परिवार वाले करते हैं स्कूल कॉलेज में करते हैं हमारा तो बड़ा अच्छा बचपन भी था किसी ने कुछ भी नहीं कहा लगता है हमारे पिताजी सूक्ष्म रूप से सबके दिमाग में डाल दिए थे इस बच्चे कोई टोकेगा नहीं हम चाहे उठें या न उठें पढ़ें या न पढ़ें हम ज्यादा खाना खा लिए बीमार हो गए उल्टी आई दस्त हुआ किसी ने कहा ज्यादा खा लिए थे क्या हुआ कुछ हुआ कुछ भी नहीं जा रहे हैं ऊपर साइकिल चढ़ गई हमारी साइकिल वहाँ चल गई जाते हुए गड्ढा पैर गिर गया चोट आ गई घर में किसी ने कुछ कहा ही नहीं कि तुमको चलना नहीं आता है क्या इस सारा जिम्मेदारी जाती है हमारे गुरुदेव पर आप पूछे जब कश्मीर में योगानंद जाने की प्लानिंग कर रहे थे बार बार और प्लानिंग फेल हो रही थी तो कहते लगता बिना गुरुदेव के आशीर्वाद के नहीं जा पाएंगे सोते नहीं हम तो जाएंगे गई कोई उनके रिलेशन में थे कोई उनके पास एक नौकर था सोचे कि उसको ले लें रास्ते में साथ रहेगा और वो बहुत मानते थे वरंद को जब जाके कहते हैं क्या मैं दो चार दिन के लिए आपके इस आदमी को ले जा सकता हूँ ऐसा कूदे की कुर्सी गिर गई टेबल पर रखा हुआ सारे पेपर उड़ गए कहते तुम्हारा दिमाग खराब है अपने सुख के लिए इसको ले जा रहे हो कैसे हमारा काम चलेगा भागे वहाँ से बोले ऐसा भूचाल तो मैंने देखा ही नहीं था तो पता चला कि श्याम इक्सविरी काम कर रहे हैं कि अभी ये ना जाए कश्मीर फिर तैयार थे जाने के लिए कहते भी रुको थोड़ी देर और अपने मित्रों को कहते स्टेशन पर इंतज़ार करें अभी कलकत्ता के लिए कोई ट्रेन जाती है फिर कलकत्ता से जाओगे नहीं हमारे की ओर अभी तो कलकत्ता जाना श्री रामपुर से तब लोगों का दिया तुम चलो हम आते हैं जैसे लोग स्टेशन पर पहुंचे तैसे को ऐसी आटी काल रहा हो गया उल्टी दस्त उल्टी दस्त, उल्टी दस्त बड़ी भयानक हुई लगा प्राण निकल जाएंगे लगे चिल्लाने कहते गुरुदेव हमको बचाइए पैर पकड़ के बैठ गए कहते तुम चिंता ना करो ये कोई था कन्हाई कहते तुम डॉक्टर बुला लाओ कहते गुरुदेव डॉक्टर नहीं कर पाएंगे कुछ हम उससे पकड़ से पार हो चुके हैं कहन तुम ठीक हो चुके हो पहले से ही लेकिन आने दो डॉक्टर आए ले गए थोड़ा सा जो उल्टी उल्टी किए थे जांच के लिए तो अगले दिन आते हैं कि तो मर गया होगा देखे तो बैठे हैं कहीं तुम बैठे हो अभी हम तो सोचे तुम चल बसे होगे इतना खतरनाक कैसे टिकाला था कोई बचता ही नहीं धन्य आपके गुरु जो आपको हीलिंग दिए आपको ठीक कर दिए तो जानते हैं अगर आपको विश्वास है क्रियायोग में क्रिया से सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और अपने आपको जो ड्यूटी मिली है उस विश्वास विश्वासपूर्वक आप कर रहे हैं कोई छल कपट नहीं है इनके द्वारा सबका मार्गदर्शन होगा आपको कोई बाधा नहीं होगी जैसे बचपन से हमारा मार्गदर्शन हुआ मैं तो हिंदी स्कूल में पढ़ा गांव में पढ़ा अंग्रेजी कभी बोलना सीखा ही नहीं था अपने आप आ गई कि नहीं इन्हीं लोगों कृपा से तो आई है। ऐसे थोड़ी आइए कि याद रखिए आज से नियम बनाइए पैर की उंगली के, के नाखून से लेकर के हाथी उंगली के नाखून तक सब में अनुभव करते रहिए अनुभव करते हुए जो अनुभूति कर रहे हैं उसी में याद रखिए पंचकोश है अन्नमय क्षेत्र अन्नमय कोश प्राणमय मनो में ज्ञान में आनंद में तो आपको पांचों कोशों की अनुभूति करनी है ना पथर आप अनुभव कर रहे हैं और करे पर में टिक गए अनुभव तो कर रहे हैं चल रहे हैं ऐसे थोड़ी हमने कहा था हमने कहा था जो भारीपन हल्कापन लगता है इसी के साथ अनेक प्रकार की अनुभूतियां होंगी हवा की तरह पानी की तरह आसमान की तरह 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 की अनुभूतियां होंगी सारी अनुभूतियों को हम एकाग्रता एक से अनुभव करें अनुभव करने करते नहीं क्योंकि क्यों क्यों कर और कड़ा करके अनुभव करें ढीला करके और कड़ा ढीला करते हैं जब आप कड़ा ढीला करते हुआ क्या उसमें चमड़े का अनुभव है मांसपेशियों का भी है खून का भी है लिम्फ का भी है आर्टिज का भी है वेन्स का भी है लिम्फ नोट्स का भी है सब खींच का है कार्टिलेज का है तो एक ही चीज़ का अनुभव थोड़ी कर रहे हैं कैसे सिर से पैर कंगली तक जब अनुभव करिए तो, तो पंचकोशी परिक्रमा को चित्र याद रखिए तो उसके साथ अपनी अनुभूति करिए काम धीमे हो या तेज यहाँ तो आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए आए हैं यहाँ कोई घर तो है नहीं कोई टोकेगा नहीं कहीं अपने ऑफिस में भी नहीं वहाँ सोचेंगे क्या हो गया आपको यहाँ इस तरह से रहिए और जब खाना पीना खाइए प्रत्येक स्वाद की अनुभूति परब की अनुभूति है तो स्वाद लेते हुए खाना खाइए जब स्वाद घटने लगे पता चला क्या कम होने वाला है तो स्वाद के खत्म होने पहले ही खाना खाना बंद कर दीजिए ये आप कैसे करेंगे आप स्वयं खोज करिए कैसे करेंगे इस तरह से करेंगे तो जो अंदर की इंजरी होती है कि फेफड़ा ख़त्म हो रहा है हार्ट खत्म हो रहा है हार्ट के वाल्व कमज़ोर हो रहे हैं हार्ट के मसल्स कमज़ोर हो रही है हार्ट अटैक आने के चांसेज हैं और अनेक प्रकार का है हमारा लीवर है फेफड़ा है आते हैं गुर्दा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं तो जो सब इनमें जो क्षतिग्रस्त हो रहा है छोटे इसमें पहुंच रही है राग देश के माध्यम से जो जीवन व्यतीत करते हैं तो चोट नहीं लगेगी खत्म हो जाएगी अगर अंदर के अंगों में चोट लगती है तो ठीक वैसे ही दिक्कत होगी जैसे बाहर से चोट लग जाए अंदर के अंगों में चोट कैसे लगती है हम खाना खा रहे हैं पता चला कि ये खाना नंबर एक है ये ये बहुत ही स्वास्थ्य वाला है सिद्ध हुआ है ये नंबर दो है ये स्वास्थ्य वाला नहीं है लेकिन इसमें स्वाद है इसको खाते तो लगता स्वर्ग में है ये तो खा ही नहीं पाते हैं तो बड़ा अजीब सा स्वाद है तो अगर आपको इस तरह से जो चीज़ फ़ायदा करेगी उससे नहीं जुड़ेंगे जो फ़ायदा नहीं करेगी उससे जुड़ेंगे तो अंदर में चोट लगेगी आपके ब्रेन में स्पाइनल कार्ड में आपकी आँखों के अंदर रेटिना में आई बॉल्स में कान के अंदर जितने लोक्राइन हैं हार्ट है लीवर है किडनी है सब में लगेगी तो सब में चोट क्यों डालेंगे इसीलिए इतना ज्ञान हो जाए क्या चीज खाद्य है क्या खाद्य नहीं है क्या खाना चाहिए क्या नहीं और जो खाना चाहिए उसमें सभी का स्वाद वो एंजॉय करे स्वाद के की अनुभूति परबम की उपस्थिति मानिए तो अंदर की चोट नहीं लगेगी ऐसे आंखों से देखते हैं ये फूल बड़ा सुंदर है ये फूल थोड़ा सा कम अच्छा लगा हम तो ये फूल देंगे हम आँखों से देख करके राग देश की अगर आँखों से देख करके राग देश के फिर अंदर में चोट लगेगी आपका ब्रेन में स्पाइनल कार्ड में आँखों के अंदर कान के अंदर जीवा के अंदर फेफड़े के अंदर हार्ट के अंदर लीवर के अंदर डाइजेटिव सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम किडनी है इससे संबंधित जितने भी अंग हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम सब में चोट आएगी इस यहाँ पर पढ़ने आए हैं ना कि हम आँखों से कैसे देखना सीखें आप दो चीजों को लेके चलिए आंखों से जो चीज़ देखिए सभी का सौंदर्य अनंत है भले ही हमें समझ में ना आए जीवा से जो स्वाद लीजिए जो खाना खाते हैं जो हेल्दी खाना है उसका स्वाद लेके खाइए किसी का स्वाद अच्छा ना लगे तब भी आप खाइए कैसे खाएंगे खाते खाते उसका स्वाद बन जाता है मन को बार बार कोई स्वाद टेस्ट कराइए तो धीरे धीरे मन उस स्वाद से जुड़ जाता है क्योंकि मन आदत के सहारे चलता है किसी चीज़ का बार बार स्वाद लेंगे जो फायदा करता है तो एक दिन मन उसको अच्छा मान लेता है और जब मन खाएगा स्वादिष्ट लगेगा जैसे ऐसे फल है संतरा मान लीजिए उसका छिलका कड़वा होता है नींबू कड़वा होता है छिलका और नींबू बहुत फ़ायदा करता है जो हम संतरे का जूस लेते हैं वो तो ठीक है उससे कम फायदा नींबू का बीज नहीं है नींबू के बीज से ही तो पेड़ हुआ है उसको खाएंगे बहुत कड़वा लगेगा छिलका खाएंगे कड़वा लगेगा तो विल पावर बढ़ाइए हम खाएंगे छिलका अगर एक संतरा खाते हैं तो उसका जूस भी लिए नींबू भी लिए छिलका भी लिए उसका बीज लिए छिलका भी लिए इस तरह से खाने के क्रम में सावधानी रखिए और कोई चीज़ देखिए किसी चीज को कुरूप न कहिए सभी का सौंदर्य अनंत और असीम है अब चलिए जैसे आपका मक्का है या गेहूं है धान है हरा हरा, हरा है लाल हाथी फसल बहुत अच्छी लगती है तो जो अच्छी लगती है आप यही चाहते हैं ये बदले ना जिसका अर्थ हुआ कि अब धान पकेगा नहीं आपका मक्का भुट्टा पकेगा नहीं आप चाहते फसल हरी बनी रहे और पके ना हाहाकार नहीं मच जाएगा आपने फसल उगाया बहुत अच्छा लगा ललहा रही है लेकिन अगला और अच्छा लगा पत्तियां पीली हो रही हैं यह भी बहुत अच्छा है फसल पक गई अब पेड़ गिर गए उसको काट रहे हैं यह भी बहुत अच्छा है प्रत्येक दृश्य का सौंदर्य अनंत में है